मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की बात, उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए प्रयास किया तेज। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय के संपर्क में सीएम धामी, सीएम धामी ने परिजनों को किया आश्वस्त। यूक्रेन में फंसे देहरादून के छात्रों के लिए मां की गुहार, वीडियो जारी कर मांगी मदद। पोस्टल बैलेट मामले में मदन कौशिक का बयान, कहा कांग्रेस नेताओं में सेना के अपमान की होड़। और चार धाम यात्रा किराए में वृद्धि की तैयारी, अब तक 2019 की कीमतों पर हो रहा था संचालन। बारिश के साथ हुई जमकर ओलावृष्टि, 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं, खबर डोईवाला से है। कुछ ही देर में पहुंचेगा शहीद जगेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर। शहीद का पार्थिव शरीर घर कान्हर वाला पहुंचेगा। कई दिनों के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, और अंतिम दर्शन के लिए जगेंद्र के घर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। 2 बजे हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर कान्हरवाला पहुंचेगा। कई दिनों के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, अंतिम दर्शन के लिए जगेंद्र के घर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। 2 बजे हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर घर कान्हर वाला पहुंचेगा। कई दिनों के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, अंतिम दर्शन के लिए जगेंद्र के घर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। 2 वाला में कुछ ही देर में पहुंचेगा शहीद जगेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर। शहीद का पार्थिव शरीर घर उनके घर कान्हर वाला पहुंचेगा। कई दिनों के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, अंतिम दर्शन के लिए जगेंद्र के घर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। और 2 बजे हरिद्वार में किया जाएगा अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर कान्हरवाला पहुंचेगा। अब से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर कान्हरवाला पहुंचेगा, और कई दिनों के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, और खबर देहरादून से है, जहां यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को की जुटाने की जानकारी वहीं पर विदेश मंत्रालय को दिया जाएगा। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों का ब्यौरा, तो यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास जारी है। लोगों का जो ब्यौरा है वो केंद्र सरकार को सौंपने की तैयारी चल रही है, ताकि यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके, और इसके लिए तमाम राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। और अगली खबर लक्सर से है, जहां यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे लक्सर के छात्र के परिवार चिंता में हैं। उनके निवासी संजीव शर्मा व उनका परिवार बेहद परेशान है। वहीं संजीव शर्मा का पुत्र आशुतोष शर्मा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, तथा रूस के हमले के बाद वह वहां पर फंसा हुआ है। परिजनों ने भारत सरकार से बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। ईमेल पे फॉर्म आया था, इन्होंने एम्बेसी में फॉर्म डाल रखा था, इंडियन एम्बेसी ने। अच्छा। तो उसी फॉर्म से मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद
यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आज सुबह 5 बजे पापा वगैरह कॉल कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था, दोस्तों का कॉल आया, तो यहाँ पे बॉम्ब्स की आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा, आसपास भी ऐसा ही, मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले भी मिसाइल्स की आवाज आई थी, मतलब गिरने की होती है ना, जैसे हम यहाँ से रुड़की तक सुनते हैं आवाज जब शूटिंग करते हैं टैंक से, इस तरह के। अभी फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही खराब है सर, लोगों सभी चिंतित हैं, सारे रिश्तेदार चिंतित हैं, और उसे वापस लाने के जो जितने भी प्रयास थे लगभग स्थिर हो गए, क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन तो ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से, अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला मिलेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है सर, तो बच्चा आएगा कैसे ये कुछ पता नहीं, वहाँ अभी जो बच्चे से बात हुई है तो कह रहे हैं एयरपोर्ट भी, एक तो एयरपोर्ट उड़ा दिया उन्होंने, रेक बंद कर लिया, लगभग कब्जे में है, और वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है लगभग सब बंद हो गई, प्राइवेट व्हीकल का वहाँ बच्चे को कहाँ से किसके पास आएगा। और अगली खबर डोईवाला से है, जहाँ फिल्म पुष्पा के नायक और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन उत्तराखंड पहुंचे, वहीं जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर कारोबारी मित्र ने अभिनेता अल्लू अर्जुन का स्वागत किया, एयरपोर्ट से सीधे नरेंद्र नगर स्थित आनंद रिसोर्ट के लिए अभिनेता रवाना हो गए, फिल्म की शूटिंग करने अभिनेता उत्तराखंड पहुंचे हुए थे। पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या, फायर है मेरे। पुष्पा नाम सुनके। और अगली खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे इनका सदुपयोग हमलों में चार चांद लगाए जा सकते हैं, उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर कौशल विकास के साथ मानव संसाधन का उपयोग उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने में किया जा सकता है, इसीलिए उत्तराखंड में लगाई गई इंडस्ट्रियों को के सतत विकास के तहत विकसित कर लोकल लोगों को रोजगार देने का काम किया जा सकता है, किसी दिशा में पीएचडी काम करता है, गुरुवार को पीएचडी द्वारा उत्तराखंड में उद्योगों के विकास पर चर्चा की गई। कितना आनंद आता होगा इंडस्ट्री चलाने में दिल्ली में, सो हैट्स बन जल्दी से दे, इंसाइटफुल डेलिब्रेशंस फॉर द इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स, थैंक यू जय हिंद। इंपोर्टेंट बंधुगण, सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और यह वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है नारी को बनाएंगे और सशक्त, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी दोगुनी, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में देर रात सिख समुदाय के एक युवक संदीप सिंह पर 20 से 25 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, हमले में संदीप बुरी तरह से घायल हो गया, वहीं घायल युवक के परिवारजनों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत है, लंबे समय से मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से कर्मचारियों ने इस पेंशन के मुद्दे को लेकर मुलाकात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, उसी में कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से अपने घोषणा पत्र में जगह देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन कल राजस्थान सरकार ने अपने पुराने बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। अगर उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली होती है तो कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा और कितना भार राज्य सरकार पर पड़ेगा, और राज्य में आगे बनने वाली सरकार क्या इसके ऊपर निर्णय लेगी, इसी पर आज हम देवभूमि कि ये जो मुद्दा है इसकी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान सरकार
सरकार के पुरानी पेंशन बहाली के फैसले के बाद उत्तराखंड के सभी कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में फिर से पुरानी पेंशन बहाली के लाभ के लिए रणनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें तो मौजूदा पेंशन मद की तो एक साल में 6,500 करोड़ रुपए है। हर साल 3-4% कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगर राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है तो पेंशन मद का यही खर्चा बढ़ जाएगा, जिसका वहन राज्य सरकार को करना होगा। वहीं मौजूदा समय में उत्तराखंड में 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्थान के इस फैसले के बाद अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन को लेकर दबाव बनेगा। वहीं इस पर उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आशा है कि उत्तराखंड में जिसकी सरकार बनेगी और वो इस मुद्दे पर बनते ही सकारात्मक निर्णय लेगी। वहीं इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य सरकारों को सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार कर्मचारियों के बारे में सोचेगी तो पैसे का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर एक लिया गया एक अभूतपूर्व निर्णय, इसके लिए पूरे उत्तराखंड परिवार की ओर से, उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है। और साथ साथ अब राजस्थान सरकार के बाद ये निर्णय चूँकि सरकार ने भी लेना है, उत्तराखंड सरकार ने, और इस उत्तराखंड सरकार में आगामी जो सरकार यहाँ बनेगी उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेगी और यहाँ के पेंशन विहीन करीब 80,000 कार्मिकों के और शिक्षकों के इस ज्वलंत मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी और राज्य के देश के तीसरे राज्य के रूप में उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं दर्ज कराएगी। चुनावी समर जो 5 राज्यों का है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, यहाँ से यह मामला ज़्यादा तूल पकड़ा था। जैसे कि समाजवादी के अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, एक पॉलिटिकल इशू था। बट यह पॉलिटिकल इशूज को अब मतलब सभी सरकारों में एक होड़ सी लगेगी, हमें ऐसा लगता है। और राजस्थान ने जो किया, जैसा कि आपने कहा, अभी हाल ही में कल राजस्थान ने भी इसको घोषित कर दिया। अभी मैं पढ़ रहा था कि हरीश रावत भी कह रहे हैं उत्तराखंड में कि अगर सरकार हमारी आती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। आपने ये सवाल बड़ा सही है कि आप इसके बजट को कहाँ से मैनेज करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेंशन सरकार अपने घर से पैसा नहीं देती कर्मचारियों का, बल्कि कर्मचारियों का रुका हुआ पैसा ही वो पेंशन के तौर पे देती है। क्योंकि सैलरी भी कितनी देती है, इधर भी कुछ चलिए मान लेते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री सैलरियाँ हैं, लेकिन कितने साल में बढ़ते हैं, कितने साल में, आप देखे होंगे कि जो वेतन आयोग होता है वो 10 साल में आना चाहिए लेकिन आते आते कितने साल लग जाते हैं। यानी कि कर्मचारी की जो सैलरी, अगर ये देते सैलरी के अलावा जो पेंशन की बात हो रही कि पेंशन देंगे उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये उनका रुका हुआ मैं पैसा मानता हूँ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजस्थान के फैसले का भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने भी स्वागत किया है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में अगर आगे उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी से चर्चा करके निर्णय लेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली करने का वादा किया है। दो नजरिए हैं, एज अ नागरिक और एक कर्मचारी परिवार का होने के नाते मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा अशोक गहलोत जी के इस कदम का, और उन्होंने हिम्मत दिखाई है, ठीक, स्वागत योग्य कदम है। इससे क्या होगा कि सभी राज्य सरकारों पे, किसी भी दल की हो, एक नैतिक दबाव भी बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता की हैसियत से मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से जो 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रथम वरीयता होगी कि हम उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ हालात हैं, मान लीजिए हम 80 करोड़ से भी ज़्यादा के कर्ज में चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट है, लेकिन फिर भी पार्टी और सरकार इस अति संवेदनशील और गंभीर विषय पर प्रतिबद्ध होके काम करेगी, निर्णय लेगी और इस पर विचार करेगी, उसके उपरांत निर्णय लेगी आपस में चर्चा करके। सरकार ने ओपीएस के मामले में पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। हमने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में जो वादा ओपीएस के संबंध में किया है, हम उस वादे पर खड़े हैं और उत्तराखंड के प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, हम भी राजस्थान के मार्ग पर चलते हुए ओपीएस का समाधान करेंगे।
राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद अब सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है और आंदोलनरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन पर किस तरह से उनका रुख नजर आता है। क्या सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करेंगे या फिर पहले की तरह ही कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यस! जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247, एनीवेयर एनी टाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में 7 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान के छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं व लेक्चर रखे गए हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित महोत्सव में पहले दिन विज्ञान पुस्तक प्रदर्शनी व क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस दौरान मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मौजूद रहे। यहाँ पर कुछ सोच छात्र भी हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और साथ ही यहाँ पर हमारे जो मीडिया के लोग हैं उसमें शिक्षा में इन चीज़ों का पुट होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को कमरे से बाहर निकाल करके मौलिक ज्ञान की तरफ, मौलिक सोच की तरफ हमें ले जाना है। आज कई डॉक्टर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से, लेकिन उन डॉक्टरों का ज्ञान, उनका जो शोध है वो केवल कंप्यूटरों से निकल करके आ रहा है, लेकिन प्रकृति में जा करके जो शोध करना है, क्या हो रहा है, क्या बदलाव, हिमालय को कैसे हम टूटने से रोक सकते हैं, जंगलों को कैसे हम बर्बाद होने से रोक सकते हैं, पानी के स्रोतों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, ये तभी तो होगा जब वो फील्ड में जाएगा, जब वो गांव की तरफ जाएगा, जब वो जंगल की तरफ जाएगा, जब हिमालय की तरफ जाएगा, तो उसको देखना होगा ना, तभी तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। जब उसको अपने पूरे अपने भूगोल का पता होगा कि मेरा भूगोल ये है, मेरा हिंदुस्तान ये है, मेरा उत्तराखंड यहाँ से यहाँ फैला हुआ है, इसकी विविधताएं ये हैं, तभी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसको प्यार आएगा अपनी धरती से। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट में दक्षिण काशीपुर सहकारी समिति मिनी बैंक में 3 करोड़ का गबन किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह राशि 3 करोड़ के लगभग है। सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन यह मुकदमा भ्रष्टाचार की धाराओं में दर्ज न कर सामान्य धाराओं में दर्ज हुआ। गलत है, फाइनल रिपोर्ट को खारिज करना चाहिए और इसका री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो सेशन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। आज हमने, हमारी एक पीएल थी जिसमें काशीपुर में एक दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति लिमिटेड का एक मिनी बैंक था महुआखेड़ागंज में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुद्रपुर से कंट्रोल होता था, और उसमें 3 करोड़ के लगभग के आसपास की घपला हुआ है। और उसमें जो बैंक का, मिनी बैंक का मैनेजर थे रईस अहमद जी, उन्होंने इसमें क्या कहते हैं, कस्टमर से पैसे लेते थे, काउंटर फाइल दे देते साइन करके, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं कराते थे, वो उसको एम्बिजल कर लेते थे, उसका गबन कर लेते थे। तो इसमें इंक्वायरी हुई, स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कराई, पहले 2 इंक्वायरी में आया कि 1.56 करोड़ का घपला है। फिर सब्सिक्वेंटली 2014 में एक और इंक्वायरी कराई जिसमें यह आया कि 1.30 का और घपला है, अर्थात 2.86 करोड़ का घपला है। तो हमने पीआईएल फाइल करी, उसमें हमने बताया कोर्ट को कि जो रईस अहमद जो बैंक का मैनेजर था उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कराई थी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने, उस एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार एफआईआर होनी चाहिए थी, जो कि साधारण लॉज में आईपीसी के लॉज में एफआईआर दर्ज हुई है, और उसमें उसने पुलिस से साठगांठ करके एक फाइनल रिपोर्ट लगवाई। फाइनल रिपोर्ट में ये दे दिया कि क्या बोलते सारा कोई गबन नहीं हुआ है और मैटर को क्लोज कर दिया गया, और उसने उस मैनेजिंग डायरेक्टर को धमकी दी कि आपको इस फाइनल रिपोर्ट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था के संचालन व इसमें आवश्यक परिवर्तन के साथ साथ जन जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसएसपी हरिद्वार व यातायात निदेशक और पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक यातायात जनपद हरिद्वार के नेतृत्व में यातायात पुलिस के द्वारा सामाजिक कल्याण विकास समिति के सहयोग से स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया है और बैनर व प्ले कार्ड आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक किया गया। इसमें लोगों को स्टॉप लाइन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग स्टॉप लाइन का सम्मान नहीं करते, उससे पहले बाहर रोकते नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इस वजह से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑटो रिक्शा सभी को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और जो लोग स्टॉप लाइन का सम्मान कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव जो है महिंद्रा और सामाजिक कल्याण समिति की तरफ से की सहायता से हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हमारा उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं में कमी आए और लोग ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतु शर्मा नैनीताल ने हरिद्वानी गौलापार निवासी डिगर सिंह द्वारा दो वर्ष पहले अपनी मां की मामूली विवाद पर धारदार हथियार से गर्दन काटने पर फांसी की सजा दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा और 10,000 जुर्माना, आईपीसी की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। साथ में अर्थदंड अदा न करने पर तो फांसी की सजा पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां।
फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर नैनीताल से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले में दौरे पर पहुंचे। नैनीताल पहुंचकर सीएम ने सबसे पहले मां नैना देवी के दर्शन किए, जहां उन्होंने मंदिर में भाजपा के जीत के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता सहित सरिता आर्य भी उनके साथ मौजूद रहीं। वहीं अपने जन्मदिन पर मंदिर दर्शन करने पहुंची बच्ची को सीएम ने गोद में उठाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है हमारा, तो बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, और लेकिन उसके बावजूद सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है आपकी बार 60 बार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुआ विवाद धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगा है। कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा कर्नाटक कोर्ट में चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी भाजपा विधायक ने विवादित बयानबाजी कर हिजाब मामले को तूल दे दिया है। भाजपा विधायक की बयानबाजी से मुस्लिम उलेमाओं ने इसे केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। मुस्लिम उलेमाओं ने इसे गंदी राजनीति करार दिया। देखिए, इस्लाम के अंदर क्या गैर मुस्लिम धर्म के अंदर भी पर्दा करना सही है, और चूँकि कुरान में भी है और ख़ास तौर से हमारे इस्लाम धर्म के अंदर हिजाब करना ज़रूरी है पर्दा, और इसी तरह जो है हमारा संविधान हिंदुस्तान का ये भी हमें इजाज़त देता है कि अपने हर एक मज़हब वाले को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, और यह हमारा शरी सकाफ़ती सब तमाम हकूक़ हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इसको पहली बात तो यह है कि जैसे कि मौलाना ने कहा कि कुरान में भी हिजाब के बारे में मुतअद्दद जगह इसका ज़िक्र आया है, और ये हिजाब जो है सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी नज़रें क्या रखें, नीची रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिजाब है, पर्दा है, ये हया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है कि जिस आदमी के अंदर जितनी हया है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, पर्दा करता है, और ये इस्लाम का हुक्म है और कानून ने भी इसकी क्या दी है मुसलमानों को और सभी धर्म वालों को इजाज़त दी है कि वो जैसे रहना चाहे अपने मजहब के मुताबिक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।